लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास टेंथ के जो एग्जांपल हैं तीन चार वो करेंगे। हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए सोर्स ऑफ है 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, और दूसरे में निकालना है करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। एक में फर्स्ट केस में आर कितना देर का है 1200 ओम, वी कितना देर का है 220 वोल्ट, और हमने क्या निकालना है आई। और हम जानते हैं कि ये हमने निकालना है आर इज इक्वल टू वी बटे आई, और आई इज इक्वल टू वी बटे आर। वी का मान कितना है 220 बाय 1200, 0 से 0 11/60, तो 11/60 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 0.18 एम्पियर। सेकंड केस के अंदर जो आर है वो 100 है और वी कितना है 220 वोल्ट, यहाँ भी आई निकालना है, आई इज इक्वल टू वी बटे आर, तो वी कितना है 220 बटे 100, 100 0 से 0 तो ये 2.2 एम्पियर कितना आएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ फ्रॉम ए करंट ऑफ है 4 एम्पियर, यानी 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट कितना ड्रॉन होता है 4 एम्पियर। यदि हम वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दें तो कितना करंट ड्रॉन होगा ये इसको देखते। इन फर्स्ट केस है V इज इक्वल टू 60 वोल्ट और I कितना ड्रॉन होता है 4 एम्पियर, तो यहाँ पर हमने R निकालना है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15 ओम आएगा, क्या आएगा 15 ओम। तो बोलता है अगर वोल्टेज को बढ़ा के 120 कर दिया जाए तो R हमारा निकाल लिया हमने 15 ओम, I निकालना है तो I इज इक्वल टू V बाय R, तो यहाँ पर 120 को 15 से काटेंगे तो I आ जाएगा 8 एम्पियर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ ए लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायामीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल एट टेम्परेचर प्रेडिक्ट मटेरियल ऑफ द वायर। तो यहाँ पर देखो 1 मीटर की है, इसको हमने क्या बना रखा है एक सर्कल शेप में दे रखा है, तो आर कहाँ कितना है 26 ओम है, क्या है 26, और लेंथ क्या है एल कितना है 1 मीटर, ठीक है। डायामीटर कितना दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं एक पॉइंट के नाम, तो 3×10⁴ मीटर बन जाएगा। तो ये एक एरिया का रूप सर्कल होता है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, रो जैसे किसके इक्वल होता है रो, यानी आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो यहाँ से रो निकालने के लिए आर ए बाय एल, तो यहाँ पर आर कितना है 26, ए कितना है पाई और डी बाय 2 का स्केयर, ठीक है, और बटे एल, एल 1 है, क्या है 1×1, तो ये कितना बनेगा 26×22/7, तो यहाँ पर 2 बार करेंगे इसको 3×10⁴-4×3/4L, 4L, तो जब इसको हम काटेंगे तो ये
यहाँ करता हूँ मैं साइड में एक बार, तो यहाँ पर 26 है गुणा 22/7, 3 और 3 की गुणा करेंगे 9 × 10^-8/4L, इसके सारे में 4L, तो 2 से काटेंगे इसको, 13 और 2 = 11, 99 तो ये 1287/7×10^-8, तो इसको काटेंगे 184×10^-8, तो 1.8×10^-6 ओम मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का डिस्कस होता है तो हमने क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर देखो, रोह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू रोह एल बाय ए, ठीक है, और रो निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, आर ए बाय में एल। तो आर कितना गिवन है, आर 4 ओम है, तो यहाँ पर 4 एरिया ए है बाय में एल, क्या है एल, यानी 4 ये बन जाएगा 4 ए बाय में एल। सेकंड आर डैश में हमने क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी, वही रो की जगह ये फिट कर देंगे। सेकंड केस में क्या करना है, एरिया तो डबल करना है, लेंथ कितनी करनी, हाफ ये बोला इसने, क्या करना, एरिया डबल करना है, लेंथ हाफ करनी है, इसी के अंदर रख देंगे 4AL के अंदर, 4A के 4 जो सेकंड हम बनाएंगे, R1 = रोहो एल बाय ए, रोहो कितना आया था, 4 ए बाय में एल, आगे कितना एल बाय 2 × 2 बाय, एरिया नीचे था ना, तो 1/2A, तो इसको काटेंगे एल से एल, ए से ए, 2/2 तो इक्वल 1, तो 1 ओम मीटर आया। यही इसमें सिद्ध करना था, यही वीडियो थी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।